लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी चार्टर्ड कॉमर्स में हूं और निसाबाद के ब्रांच में हूं और मैं इनसे बात करूंगा। मेरे साथ निशान सर जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात करें। फाउंडर हैं चार्टर्ड कॉमर्स के। सर, आपके कोचिंग के बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ये परफॉर्मेंस में कैसे, मतलब विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी आ गए या आपका मेहनत का योगदान है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का मेहनत का रिजल्ट है कि बच्चे यहाँ तक आए हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि हमारे टीचर्स ने जिस तरीके से मेहनत किया है बच्चों के प्रति। देखिए, एक मेंटोर, एक गाइडर का काम क्या होता है? सही तरीके से गाइडेंस करना, सही तरीके से पढ़ाना, एजुकेशन देना, और उसमें कैसे रिजल्ट लाना, इसके लिए किस तरीके की पढ़ाई का माहौल है वो भी देखना। तो हमारी जो टीम है, देखिए टोटल हमारे यहाँ 50+ टीचर्स की टीम है और हमारे यहाँ एक एक सब्जेक्ट के 5-5 फैकल्टीज हैं। तो हम लोग जो है वो प्लान्ड वे में करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद किस तरीके से बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उसको सॉल्व कराना है और किस तरीके से बच्चों का राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और बच्चों के लिए स्पेशल डाउट का फैसिलिटी रहता है। सपोज़ कीजिए कोई बच्चे अगर क्लासरूम में है, उनको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर एक आध दिन वो क्लास एब्सेंट कर गए हैं, उनको अगली क्लास समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल तौर पे टीचर्स लग रहे हैं जो कि बच्चों को डाउट और गाइड कर सके, जो उनका चैप्टर छूटा है उसको कंप्लीट करवा सके। और जो हमारे क्लास में टीचर क्लास लेते हैं वो भी क्लासेस के बाद बैठते हैं ताकि बच्चों को जो क्लास में समझ नहीं आया वो आप यहाँ आके पूछिए, हम वो बताएंगे आपको। इसके अलावा हम लोग 2 तरीके से टेस्ट लेते हैं। एक तो जो क्लासरूम टेस्ट होता है वो तो होता ही है, दूसरा होता है बोर्ड पैटर्न पे टेस्ट, जिसमें कम्प्लीटली हम लोग बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को लाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं। उसके लिए हमारे पास टीम है, वो एनालिसिस करके क्वेश्चंस बनाती है, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करवाते हैं और उस बेसिस पे बच्चों का टेस्ट लेते हैं। फिर कॉपी टेस्ट के बाद बच्चों का राइटिंग स्किल्स कैसा है उन पे काम करते हैं। तब राइटिंग स्किल भी एक मतलब मैंने रखता है बहुत। आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं, कॉमर्स में बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो बहुत तरीके हैं आंसर्स देने का। लेकिन एक जो वे होता है जिससे कि आपका मार्क्स 100% मिलता है, उस वे में कैसे आंसर्स दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। कितने ब्रांच हैं अभी आपके पूरे बिहार की बात करें? देखिए, अभी हमारे जो टोटल 6 ब्रांच है और अभी हम लोग पटना में ही है, लेकिन हम लोग आगे अलग अलग स्टेट में भी जा रहे हैं। हमारा जो हमारी जो टीम है वो एनालिसिस कर भी रही है। हम लोग झारखंड और यूपी के तरफ, खास करके बनारस में काम कर रहे हैं अभी, और बिहार में भी हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। हम लोग भागलपुर और दरभंगा जैसे शहर को भी टारगेट किए हैं और वहाँ पे हमारा काम चल रहा है और अगले सेशन में हम लोग वहाँ भी आए। चलिए, सवाल ये है कि एक सवाल मैंने पीसी में पूछा था कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए, और दूसरा नंबर है कि जो छोटे छोटे शहर, जो छोटे छोटे गाँव के जो शहर जो मार्केट होते हैं वहाँ पर भी हर सुविधाएँ होती है, चाहेंगे तो आप वहाँ भी ब्रांच खोल करके, वहाँ जो बच्चे बाहर बड़े बड़े शहर में नहीं आ सकते हैं इकोनॉमिकली कंडीशन को लेकर के, तो उनके लिए कुछ प्लान है कि आपके पास? देखिए, जो बच्चे गरीब हैं, जिसके पास पढ़ाई करने या पटना में आके सक्षम नहीं है, उसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप चलाते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप चलाते हैं और स्कॉलरशिप में ना कि पढ़ाई बल्कि रहने का और खाने का भी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा, उनका रहना खाना सब फ्री है? बिल्कुल। अगर मैं एक चीज नोटिस कर देते हैं, जो विद्यार्थी गरीब हैं पूरे बिहार, बिहार के साथ पूरे भारत में, पूरे इंडिया, इंटायर इंडिया, इंडिया की बात करें, साथ साथ बिहार के हैं ही, और बिहार के हैं जो मेधावी छात्र हैं, जो विद्यार्थी पैसे के चलते नहीं पढ़ पाते हैं, अगर वो सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड कॉमर्स में आ करके, जो पटना के 6 ब्रांच है, जो भी सुविधा ब्रांच है, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगता है, आपको एक स्किल टेस्ट करेंगे, स्किल टेस्ट में पास कर जाएंगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप रहेगा। सिर्फ पढ़ने का नहीं, पढ़ने के साथ साथ रहना और खाना फ्री है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे छात्रों के लिए हम लोग अलग से ये सारी व्यवस्था करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सवाल ये है कि पर्सनल सवाल है, कितना मेहनत लगा आपको इस मुकाम में पहुँचने में? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत मेहनत लगता है और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है, और ये जो आप देख रहे हैं कि बच्चे आज रिजल्ट ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यही हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और तकरीबन हम लोग 16 साल में 50,000 बच्चों को शिक्षित किया है और अच्छे मार्क्स के साथ, रैंक के साथ पास आउट हुए हैं, और देश नहीं विदेश में भी अनेक जगह हमारे बच्चे अभी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। एक क्योंकि हम सीए बैकग्राउंड से हैं नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड, एक हम जानना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो स्टूडेंट कॉमर्स करते हैं उसके दिमाग में सिर्फ सीए चलता है, लेकिन सीए के अलावा भी कुछ होता हुआ क्या, कॉमर्स करने के बाद इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं जो विद्यार्थियों को पता नहीं है कि उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं या अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या?
देखिए निश्चित तौर पर सीए के अलावे भी कॉमर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और कॉमर्स में लोग जनरली जानते हैं कि सीए ही बना जाता है, लेकिन सीए के अलावे सीएस होता है जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसके बाद सीएमए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, इसके अलावे अकाउंटिंग सेक्शन में भी बहुत सारे हैं, टैक्सेशन सेक्शन में है, बीएमबीए करके मैनेजमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है कॉमर्स में, अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, और उस स्कोप में आप कहीं भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा अर्निंग कर, चलिए, ये निशांत मिश्रा सर हैं, फाउंडर हैं चार्टर्ड कॉमर्स के, इन्होंने साफ साफ कहा इसमें सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात ये है कि जो विद्यार्थी गरीब हैं, जो विद्यार्थी पैसे की वजह से सीए नहीं बनना चाह रहे हैं, सीएस नहीं बन सकते हैं, वो विद्यार्थी आप इनके कोचिंग में आकर के इनसे पर्सनल लेवल पर भेंट करके आप एक स्किल टेस्ट देकर के अगर स्किल टेस्ट में पास कर देते हैं 100% स्कॉलरशिप विथ खाना और रहने के साथ आप सीए और सीएस बन सकते हैं, और इनके कोचिंग के 16 साल के मेहनत का परफॉर्मेंस आज है कि पूरे बिहार में 6 ब्रांच है, और बिहार के बाद ये यूपी में भी जा रहे हैं, दिल्ली में भी, पूरे इंटायर इंडिया में जाने की प्लान है। मैं शंभु कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट अशोक धर्मा के साथ पटनागर में, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।